हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजे मोटर्स। आज से हम बजाज की सारी मोटरसाइकिल, स्कूटर और कॉमर्शियल व्हीकल भी अगर पॉसिबल हुआ तो रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमने बजाज की चीपेस्ट बाइक यानी इकोनॉमिकल, आपको बजट फ्रेंडली बाइक बोलते हैं, वैसी बाइक से स्टार्ट करते हैं। यह है सिटी 110X। ये आपका एक्सरूम 69,200 समथिंग रुपीज़ का रहेगा न्यू दिल्ली में, और ऑन रोड आप अपने नज़दीकी शोरूम में जाके तपास कर सकते हो। ये गाड़ी में 115 सीसी का पावरफुल इंजन मिल जाएगा, जिसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको आगे बताता हूँ। और E20 कंपाइल है BS6। जैसे आपको मालूम है BS6 में सभी गाड़ियों ने फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है, मगर बजाज एक ऐसी लौती दुनिया की कंपनी है जिसने अपने कार्बोरेटर को ही BS6 में कन्वर्ट कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर इंट्रोड्यूस किया है जो ECU बेस्ड काम करेगा, सारे सेंसर से डेटा लेके वो अपना इंजेक्शन इंजन में प्रोवाइड करेगा। यानी आपको फ्यूल पंप का खर्चा निकल जाएगा, इंजेक्टर का भी खर्चा निकल जाएगा, फ्यूल का आप इधर देख पा रहे होंगे। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा एक्स्ट्रा, जैसे आप लुक देख पा रहे हो, गोल हेडलैम्प है, सिंपल हेलोजन सारा सेटअप है, हेलोजन लैम्प, हेलोजन आपके ब्लिंकर्स, टेल लैम्प भी अगर आप देखो तो सिंपल हेलोजन टाइप का ही मिलेगा। ये फ्लेक्सिबल आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे देखने को। 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाएगी। टैंक पर आपको रबर पैड भी देखने को मिल जाएगा दोनों साइड, जिससे इसका लुक भी अच्छा आता है और आपकी ग्रिप भी अच्छी खासी बनी रहती है, और टैंक पर यहाँ पर आपका पेंट फेड नहीं होगा। फिर दूसरा एक फीचर आप नोट कर पाओगे, ये इधर हैंडल बार पर भी क्लिप लगा हुआ है, ये आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। वो किस तरह से सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, यानी आपकी गाड़ी अचानक से किसी के साथ टकरा जाती है तो आपका सिर सीधा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जहाँ पर चाबी और ये सारी नोकीली चीज़ें लगी होती है, उधर टकराने पर आपको ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए ये फीचर दिया गया है। लंबा आपको पीछे की तरफ बैकरेस्ट मिल जाएगा, ग्रैब हैंडल भी आप उसको बोल सकते हो, और उसके पीछे आप कैरियर भी मिल जाएगा जिस पर आप अच्छा खासा माल सामान भी लोड कर पाओगे। इसकी लोडिंग कैपेसिटी भी काफ़ी बढ़िया है, लंबी आरामदायक सीट मिल जाएगी, स्ट्रेट है सीट, आगे पीछे आप ड्राइवर की तरफ ब्रेक मारने पर आगे पुश नहीं हो जाओगे। ये गाड़ी में आपको इधर एसेसरीज में दिया गया नहीं है फुटरेस्ट, नहीं तो ऐसा ही सेम फुटरेस्ट इधर भी मिल जाएगा। और 4 स्पीड का गियरबॉक्स, सारे गियर आगे मिलेंगे आपको। आगे आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक, पीछे आपको 110 mm का ड्रम ब्रेक, और पीछे के टायर आपके ऑफ रोड कैपेबल रहेंगे। SNS स्प्रिंग सस्पेंशन रियर में देखने को मिलेगा, फ्रंट में आपका सस्पेंशन जो है उस पर धूल और पानी या फिर कीचड़ ना लगे, और सस्पेंशन की लाइफ अच्छी खासी रहे, इसलिए मडगार्ड कवर भी दिया गया है, क्योंकि ये गाड़ी डिज़ाइन की गई है रफ रोड के लिए, ऑफ रोडिंग कैपेबल मोटरसाइकिल आप इसको बोल सकते हो, और प्रैक्टिकल भी है। इसमें इतना ज़्यादा आप देखोगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी सिंपल है, डिजिटल नहीं है, सारे स्विच गियर्स भी जो पहले की मोटरसाइकिल में आते थे सिंपल वैसा ही है, कुछ अटर बटर चटर कोई भी जात का इसमें इलेक्ट्रॉनिक फीचर दिया गया नहीं है, जैसे आपकी गाड़ी में कोई इन फ्यूचर प्रॉब्लम आएगी तो आपको रिपेयर करने में खर्चा ज़्यादा हो, आसानी से कोई भी मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन इसको रिपेयर कर पाएगा। सिर्फ BS6 नॉर्म कंपाइल करने के लिए इसके इंजन में सेंसर लगाए हुए हैं, जिससे आपको इंजन का आउटपुट अच्छा खासा मिले। वैसे माइलेज की बात की जाए तो माइलेज आपको करीबन 65 to 75 के बीच में रहेगी। ARAI 70 km/h का है, और मैक्सिमम स्पीड ये मोटरसाइकिल की रहेगी 90 km/h। अब चलिए इसके कलर्स भी देख लेते हैं साथ में। ये है दूसरा कलर रेड, और
आगे आपको एलईडी ब्लिंकर भी मिल जाएगा, जिससे डे टाइम रनिंग एलईडी लैंप आपकी विजिबिलिटी एनहेंस करने के लिए मिल जाएगी। पूरा रेट्रो लुक है। अगर किसी के पास विजन है तो ये गाड़ी को आसानी से काफे रेसर में कन्वर्ट कर सकता है। पीछे का पूरा मडगार्ड आपका प्लास्टिक का देखने को मिल जाएगा। फुल्ली कवर आपका चेन कवर फुल्ली कवर रहेगा, जिससे आपकी चेन की लुब्रिकेशन की लाइफ ज़्यादा रहेगी और पीछे बैठने वाले लेडीज़ को भी चेन से उसके पैरों में कोई भी कचरा नहीं लगे। आगे इंजन में भी गार्ड मिल जाएगा। ये भी गार्ड है और इंजन पर नीचे वाला ये भी गार्ड है। दोनों ये मड गार्ड की तरह काम करेगा और ये गिरने पर इंजन पर कोई भी हानि ना हो, इसलिए ये भी बचाएगा। साइड स्टैंड मेन स्टैंड दोनों आपको मिल जाएंगे। और डिटेल स्पेसिफिकेशन की अगर बात, पहले तीसरा कलर भी देख लेते। तीसरा कलर ब्लू है, ये ब्लू कलर में है। ये साइड में आपको ये रिफ्लेक्टर भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक बेसिक चीज़ें अभी गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दी है। दोनों मिरर्स की क्वालिटी और विजिबिलिटी भी अच्छी खासी है। हेडलाइट आपकी थ्रो भी अच्छा खासा प्रोवाइड करके देगी और 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी और 65 प्लस का माइलेज के साथ आपकी एक बार टंकी फुल करवाने पर अच्छा खासा टाइम पर आपको पेट्रोल पंप विजिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी आपको अवेलेबल है। अब इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो परफॉर्मेंस में इंजन में आपको 115 सीसी का फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाएगा, जिसका बोर रहेगा 50 mm का, स्ट्रोक रहेगा 58.8 mm का, मैक्सिमम पावर रहेगी 8.6 हॉर्स पावर की 7000 rpm पर, टॉर्क निकालेगी 9.81 न्यूटन मीटर का 5000 rpm पर। इलेक्ट्रिक स्टार्ट अवेलेबल है, इसमें किक भी मिलेगी, इलेक्ट्रिक स्टार्ट में भी मिलेगी। फोर स्पीड गियरबॉक्स जैसे मैंने आपको पहले बताया था, स्क्वेयर ट्यूब सिंगल ग्राउंड ट्यूब विथ लोअर क्रेडल फ्रेम, ये टाइप का पूरा फ्रेम मिलेगा, क्योंकि ये ऑफ रोड कैपेबल है तो मजबूत इसकी चेसी रहेगी। और टायर की साइज की जाए तो फ्रंट में आपको 2/75/17 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा, पीछे आपका 3/17/15 का आपको ट्यूबलेस टायर पीछे देखने को मिल जाएगा, यानी 3 इंच का, और आगे 2/75 का भी देखने को मिल जाएगा। हाइड्रोलिक सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिल जाएगा टेलीस्कोपिक, जिसका ट्रैवल 125 mm है, क्योंकि ये ऑफ रोड कैपेबल बनाने के लिए इसका ट्रैवल अच्छा खासा दिया गया है। और पीछे 100 mm का सस्पेंशन ट्रैवल आपको देखने को मिल जाएगा। ब्रेक के बारे में तो दिखा दिया आपको, आगे 130 mm, पीछे 110 mm की CBS ब्रेकिंग के साथ। लेंथ की बात की जाए तो 1998 mm की 1998 की आपकी लेंथ रहेगी, 753 mm का विड्थ रहेगा, हाइट रहेगी 1098 mm की, व्हील बेस रहेगा 1285 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस रहेगा 170 mm का, कर्ब वेट इसका 127 kg का रहेगा। पूरी डीसी सिस्टम रहेगी इलेक्ट्रिकल की, और हेडलैम्प में आपको ऊपर डे टाइम रनिंग एलईडी लैंप भी देखने को मिल जाएगा। तो ये है कुछ स्पेसिफिकेशन, और एक बार देख लेता हूँ कुछ इंफॉर्मेशन मैं भूलता तो नहीं हूँ, अगर भूल जाता हूँ तो आप मुझे कमेंट में भी बताना, तो मैं वापस से वीडियो बना के या फिर कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई दे दूँगा। कैसी लगी ये मोटरसाइकिल आपको? अगर पसंद आती है तो नज़दीकी शोरूम में जाइए, विजिट कीजिए, और हीरो की मोटरसाइकिल के सामने अच्छा खासा पावर, कंफर्टेबल राइडिंग और लंबे सस्पेंशन का ट्रैवल की वजह से आपको कंफर्टेबल राइड भी मिल जाएगी। तो आप हीरो सीडी डीलक्स, सीडी 100, ये सारी गाड़ी देखने से पहले एक बार बजाज के शोरूम को विजिट करना मत भूलिएगा। तो
वीडियो कैसी पसंद है, कैसी लगी? अगर पसंद आती है तो लाइक बटन दबाइए, नए मेरी चैनल पर से नए है तो सब्सक्राइब बटन दबाइए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।